बाकी का भी मन देखना होता है। आ जाओ, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से डील करते हैं। आ जाओ, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ऐसे। सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट्स वर डिजोल्व इन वॉटर, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन वुड बी, ऑप्शन ए ब्लू, ग्रीन, बताना नहीं है ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने चैट में आंसर बताओ। दिव्यांश आपका रॉन्ग है, श्रेष्ठा आपका सही है। फर्स्ट ग्रीन, सेकंड वन इज रेड, थर्ड वन इज ब्लू एंड फोर्थ वन इज ब्राउन। दिव्यांश आपका रॉन्ग है, उन्नति आपका राइट है, आयुष आपका ठीक है, सुमेश आपका भी बिल्कुल सही है ठीक है, सौम्या आपका भी सही है ठीक है, अनुप्रिया बिल्कुल, प्रियांशु राइट, गौतम आपका रॉन्ग है, गौतम कुमार झा ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अगर इस ध्यान से देखोगे, कॉपर सल्फेट वॉज द फर्स्ट हिंट, सेकेंड उनको डिजोल्व कर रखा है वॉटर में। जब हम कॉपर सल्फेट को वॉटर में डिजोल्व करते हैं, क्या करते हैं, वॉटर में डिजोल्व करते हैं, तो वो बना लेता है 5H2O, कॉपर सल्फेट 5H2O, ये होता है ब्लू इन कलर ठीक है। Yes, तो यहां पर रॉन्ग हो जाता है, तो ये राइट है, क्यों, कॉपर सल्फेट प्लस 5 वॉटर गिव्स अस CuSO4.5H2O, इसका कलर ब्लू होता है ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वॉटर रिएक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ यानी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के ऊपर जाके सेटल डाउन हो रहा है, जिसके कारण द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हाँ बिल्कुल सही, इसे ब्लू विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है ठीक है, ब्लू विट्रोल के नाम से। चलो मेरे ख्याल से सभी को यहां तक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया, आज तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील करो। व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीसेस टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, व्हाट विल हैपन, फर्स्ट नो चेंज टेक प्लेस, सेकंड कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स येलो, थर्ड पंजेंट स्मेल गैस लुब्रेटेड एंड द फोर्थ वन इज स्मॉल बबल्स ऑफ H2 गैस अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस। श्रेष्ठा बिल्कुल सही, भावेक बिल्कुल सही, गौतम बिल्कुल सही, नियति डाउट मत करो सही है, प्रिया उन्नति आपका भी सही है, दिव्यांश बिल्कुल सही, आयुष आपका रॉन्ग है। इन लास्ट क्लास मैंने सभी को बताया था रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस किया था, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, परफेक्ट। तो जिंक को जब हम HCl सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, हाँ सुमेश बिल्कुल सही, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सौम्य भारती आपका भी सही है। तो ये जो जिंक के पीसेस थे, इस पीसेस में वो किस में कन्वर्ट हो गए, जिंक क्लोराइड में, और उनके सरफेस से क्या रिमूव हो रहा होगा, हाइड्रोजन गैस। सर हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो जो हाइड्रोजन गैस है जब इसको बर्न करते हैं, क्या करते हैं, बर्न, एक सेकंड, पॉप साउंड, हाँ तो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर दिया ठीक है। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हम बोलेंगे कि वहां पर क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, अदरवाइज और कोई सी गैस है। तो द राइट आंसर इज, अब एक मेरे को क्वेश्चन पूछना है कि पंजेंट स्मेल गैस कौन सी होती है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कौन सी पंजेंट स्मेल सर, गैस, सर एलपीजी की जो होती है वो कौन सी, सर मैं श्योर नहीं हूँ, जो एलपीजी की होती H2S. है ठीक है H2S, हाँ सर पंजेंट मतलब कैसी होती, पंजेंट मतलब तीखी,
रोटन नेग अलग हो गई, अमोनिया की पंजेंट स्मेल होती है, हाँ अमोनिया भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं एक बार फिर भी कंफर्म कर दूंगा कि ये आंसर किसका है, अमोनिया का है या फिर मेजोरिटी टाइम्स मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एचप्लस का होता है, ठीक है। रोटन एग स्मेल अलग होती है, हाँ सॉरी रोटन एग स्मेल होती है इसकी, और पंजेंट स्मेल होती है अमोनिया की, हाँ ये रोटन एग स्मेल होती है, जैसे अंडे सड़ जाते हैं ना तो ऐसी स्मेल आती है H2S से, और पंजेंट स्मेल आती है अमोनिया से, और पंजेंट का मतलब है नाक में लगना, तीखा, बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, कॉपर डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है। फर्स्ट इज जिंक सल्फेट, सेकंड इज आयरन सल्फेट, थर्ड इज सिल्वर सल्फेट एंड फोर्थ इज निकल सल्फेट। नियति राइट, भावित राइट, श्रेष्ठा राइट, श्रेष्ठा हाँ, अनुप्रिया राइट, कल ही हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, दिव्यांश बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। कल ही हमने याद किया था, क्या याद किया था, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, भाविक बिल्कुल सही। करीना ने कार मांगी फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी प्यारी, प्यारी हाँ प्यारी इज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री। सौम्या भारती, अब यहाँ पर तुम देखोगे बाकी जिंक हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कॉपर, कॉपर अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस करता कर सकता है, अपने से ऊपर वालों को नहीं। सोमेश प्रसाद बिल्कुल सही, जिंक और जिंक आयरन इज प्रेजेंट अबव द कॉपर विच मीन्स दे आर मोर रिएक्टिव, तो उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सिल्वर इज बिलो द कॉपर, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर आएगा सिल्वर वाला। हेमंत बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां पर देखो कितना सिंपल हो गया ये रिएक्शन, अदरवाइज अगर हमको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को हम पक्का छोड़ के आएंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि विच वन इज मोर रिएक्टिव विच वन इज लेस रिएक्टिव। ओके सर, निकल मतलब फोर्थ वाले के साथ अगर होता तो नो रिएक्शन होती, नहीं नहीं निकल भी यहाँ पे बीच में आता है पीबी के यहाँ पर, ठीक है, बट वो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे और उतना ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने इग्नोर किया है। ओके ठीक है, आ जाओ, तो आ जाओ अब यहाँ पर तुम आ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रिएक्शन H2+Cl2 gives us 2HCl represents oxidation, reduction, decomposition या combination. Divyansh right, Bhavik right, Priyanshu Gautam right, Niyati right, Shrestha आपका wrong है, Anupriya right, ठीक है, थोड़ा सा रोंग आपका, ध्यान से सोचो श्रेष्ठा, हाँ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है और वी हैव टू फाइंड कि वो कौन से रिएक्शन यानी टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, हाँ श्रेष्ठा नाउ यू आर परफेक्ट। अब यहां पर हमको दिख रहा है A+B gives us C, हेमंत राइट, A+B gives us C, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ये किसकी डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। बट अब तुम यहां पे देखोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी शो कर रहा है, बट मोस्ट सूटेबल क्या है, कॉम्बिनेशन, बट ये दोनों अलग अलग ऑप्शन है, अगर यहाँ पे रेडॉक्स होता और कॉम्बिनेशन होता तो दोनों ही आंसर हमारे राइट होते, बिकॉज एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है और
कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, इंडिविजुअल रेड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं है और हमारी जनरल रिएक्शन को फॉलो कर रही है, तो सीधा सीधा हमारा मोस्ट सूटेबल, हमेशा याद रखना, ट्राई टू फाइंड मोस्ट सूटेबल आंसर, ठीक है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ इज आवर करेक्ट आंसर. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज, ध्यान से याद रखना, मतलब क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्वेश्चन में ही आंसर है. अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज. गौतम आपका रॉन्ग है, उन्नति, भावेक, दिव्यांश, नियति, आयुष आपका रॉन्ग है, बाकी सबका सही है. सुमेश प्रसाद सही है, गौतम आपका भी सही है, श्रेष्ठा आपका भी सही है, अनुप्रिया, भाविक, राइट, ठीक है, पीयूष आपका रॉन्ग है, प्रियांशु सॉरी, सौम्य भारती राइट. हाँ, इस क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन डेफिनेशन है, सीधी डेफिनेशन उठा रखे हेमंत राइट. इन दिस क्वेश्चन सिंपली से पहली हिंट क्या मिल रहा है कि वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है और दूसरे का रिडक्शन करता है, दोज आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. यहां तक आया सब में? हाँ, तो सिंपल सीधा सा आंसर था इसका. और जिसकी डाउट है, अगर डाउट है तो वो समझ जाए कि यहाँ पर पहला हिंट क्या मिला हुआ है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद का ऑक्सीडेशन, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अब इस क्वेश्चन को समझो. टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इन अ टेस्ट ट्यूब एंड अ फ्यू, फी के बाद के लिए रखा, फ्यू पीसेस ऑफ, एक सेकंड, a few pieces of fine, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, ठीक है, फाइन, यहाँ पे क्या डाल देते हैं, एक सेकंड रुको, जिंक डाल देते हैं, जिंक ग्रैनुल्स, हाँ, which gas is evolved, नियति राइट, दिव्यांश राइट, ठीक है, भावेक, उन्नति राइट, गौतम, अनुप्रिया आपका भी बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल. देखो यहाँ पर क्या है कि तुम इस क्वेश्चन में, श्रेष्ठा राइट, इस क्वेश्चन में तुमको कुछ कुछ डेविएशन दे रखी है जो क्वेश्चन को भटकाने के लिए है. हाँ, 5 ml, सिर्फ 5 ml का, सर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया? नहीं, रिपीट नहीं हुआ, बस लैंग्वेज बदली है, ठीक है, क्वेश्चन, हाँ सर एक बार, बट इसको क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया. हाँ, सुमेश, हेमंत राइट, ठीक है, तो लास्ट कैसे पूछा गया था, अभी कैसे पूछा जा रहा है, दोनों में फर्क है. हाँ, राइट, इसका आंसर हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही, बिकॉज जिंक रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ में, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और जिंक मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव, और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव, ठीक है? इस कारण से यहाँ पे जो गैस बन रही है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट पूछ लिया, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, दैट इज हाइड्रोजन गैस. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिसॉल्विंग सुगर इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रेडोक्स और नन ऑफ दिस. दिव्यांश, नियति राइट, आयुष राइट, उन्नति, गौतम राइट. सर इसमें तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल सही सही है, सही है. सौम्य भारती राइट, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास का फर्स्ट टॉपिक था, हमने चेंजेस पढ़े थे, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. प्रियांशु राइट, सबसे पहली क्लास जो हमने ली थी जिसमें हमने बात करी थी चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है? मुझे लगा केजी टू के बाद जो फर्स्ट आती. क्या हुआ सर? कंटिन्यू. ओके,
physical change and chemical change. In physical change, no new product is formed. Physical change में कोई भी नया product form नहीं होता. No new product is formed. ठीक है, ना ही इसमें किसी तरह की एनर्जी गेन या लॉस होती है. नो नेट एनर्जी चेंज किसके अंदर? फिजिकल के अंदर. बट हाँ, केमिकल के अंदर न्यू प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं. ठीक है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म और साथ के साथ एनर्जी चेंज भी होता है. Either energy gain, exothermic या फिर endothermic. तो हाँ, dissolving sugar में sugar तो वैसे ही वैसे रहेगी सर, यहाँ पे कोई भी use नहीं है, नया substance form नहीं हो रहा. तो हम simple बोलेंगे कि ये physical change है. ठीक है, आ जाओ. Heat is evolved during first endothermic, second displacement, third combustion, fourth is combination. Bhavik, right. Gautam, right. Sumesh Prasad, right. Sumesh, right. Shrestha, wrong. Anupriya, wrong. Ayush Tiwari, wrong. Heat is evolved. Shrestha, now you are right. Sir, mera. Wrong. Sorry. Divyansh, right. सर मेरा सही है. हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? हेमंत रॉन्ग. ठीक है, हाँ सी है, राइट. ठीक है, इसका मतलब होता है रिलीज्ड. रिलीज मतलब निकलना. और एंडो में क्या होता है? हीट एनर्जी या फिर एनर्जी क्या होती है? लूज, एब्जॉर्ब. हाँ सॉरी, एब्जॉर्ब. ठीक है, तो सर ये होना चाहिए एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक. बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो कहीं पे लिखा नहीं ऑप्शन में. तो और किस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है? हमने पढ़ा है कंबशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक. जितने भी होते हैं सारे एक्सोथर्मिक होते हैं. जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, नियति राइट, तो दोज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो वी कैन सिंपली से कंबशन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है. ठीक है, अब जो हीट का सिंबल आता है, जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. अब हीट यहां पर लिखी जाएगी, कंबशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही. ठीक है, या फिर प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड लिखी जाएगी. तो ए और बी में जल्दी बताओ, ए और बी में कौन सा राइट है? ए. सर ए. ए राइट है, बिल्कुल सही. ए राइट, हेमंत, भाविक राइट. ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट साइड पे हीट होगी. सोमे भारती राइट, हमारे प्रोडक्ट साइड पे हीट होनी चाहिए. ठीक है, अब इसी को ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस हीट गिव्स अस प्रोडक्ट. ठीक है, वो भी सेम ही है. वो भी क्या है हमारा? एक्सोथर्मिक. ठीक है, ये हमारा एंडोथर्मिक है, तो इसको हटा देते हैं. आ जाओ, मूव करें आगे. यस सर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन? ध्यान से देखना. फर्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट gives us magnesium sulfate. Bhavik, right. NaOH plus HCl, NaCl plus water. Divyansh, right. Shrestha, right. Niyati, right. Unnati, right. Ayush, right. Hemant, wrong. Soumya Bharti, right. Gautam, right. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सिंपली देखोगे, प्रियांशु राइट, अनुप्रिया राइट. अब सभी ने ऑलमोस्ट सही दिया है, बस हेमंत का एक बार रॉन्ग हो गया था. हेमंत आपका भी अब सही है. जब भी हम बात करेंगे बैलेंस की,
तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम दोनों साइड पे बराबर होने चाहिए. बट इन केस ऑफ थर्ड, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज नॉट इक्वल. रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? दो, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? तीन. ठीक है, बाकी सब में सब बैलेंस है. ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है. और बैलेंस क्यों करते हैं, इसका रीजन मेरे को चैट बॉक्स में बताओ. व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन? मैंने पेपर में पूछा था, टेस्ट में भी दिया था. ठीक है, जल्दी से बताओ. बिल्कुल सही भावेक. ठीक है, हाँ दिव्यांश राइट, बिल्कुल सही. अनुप्रिया, बिकॉज. गौतम, बिल्कुल राइट. आयुष, बिल्कुल, टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ. नहीं नहीं आयुष, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा. ठीक है, यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उन्नति राइट. इसके अकॉर्डिंग बोला जाता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. श्रेष्ठा राइट. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसलिए हमको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है, जितना मास हम रिएक्शन के अंदर कंज्यूम होगा, डालेंगे, सप्लाई करेंगे, उतना ही मास हम रिएक्शन से निकाल सकते हैं. आ जाओ. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में. द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ. दिव्यांश राइट, भाविक राइट, आयुष राइट, श्रेष्ठा राइट, बिल्कुल सही जा रहे हो. ठीक है, उन्नति राइट, प्रियांशु राइट, नियति राइट. हमेशा क्वेश्चन मार्क मतलब डाउट मत करो अपने ऊपर, या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा. नियति राइट है आपका. ठीक है, ट्राई करो, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, हमेशा आंसर सही होगा. हमारे पास यहाँ पर दो हिंट मिल रही है. फर्स्ट वन इज लेड नाइट्रेट एंड सेकंड वन इज पोटेशियम आयोडाइड. अनुप्रिया राइट, गौतम राइट. ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास PbNO3 होल ट्वाइस प्लस हमारे पास आएगा Ki. जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा हमारा PbI2 प्लस KNO3, और इसमें ये बनाएगा हमारा PB, ये बन गया PPT, और ये हमारा कौन सा रिएक्शन बन गया सर? AB+CD. सौम्य भारती राइट गिव्स अस AD+CB. यहाँ पर क्या हो रहा है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस. ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज हाँ प्रेसिपिटेशन भी. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोडक्ट इनसोल्युबल है. ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन में दिया गया था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ज्यादातर बच्चे उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझा रहे थे या फिर लिख के आ रहे थे. एक्चुअली में प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन जो डेफिनेशन होगी, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच इनसोल्युबल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, या प्रेसिपिटेट बन रहा है इनसोल्युबल सब्सटेंस, दोज रिएक्शंस आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट में जरूरी नहीं कि एक प्रोडक्ट इनसोल्युबल हो, मे बी ना हो. ठीक है,
तो हमको एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इनसोल्युबल होना चाहिए, तभी वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एसिड रिएक्ट विद बेस, ठीक है, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट है बट वो प्रेसिपिटेशन नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है सर। हाँ बोलो सर, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है ऑप्शन में, तो क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इनसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जो ये वाला है सर, ये इनसोल्युबल सब्सटेंस है सर, ये नहीं पूछ रहा, यदि ऑप्शन में भी पीपीटी रिएक्शन होता तो सर डबल डिस्प्लेसमेंट करते कि प्रेसिपिटेशन? हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे जैसे। यस सर। ठीक है, तो नॉट एवरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, दोज रिएक्शन ओनली इन विच एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसोल्युबल। ठीक है, कोई सा एक प्रोडक्ट इनसोल्युबल होना चाहिए, पीपीटी बनना चाहिए, तभी उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ आ जाओ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब में ये हमारे जनरल ट्रेंड सर, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ बोलो सर, जैसे इसी सेम क्वेश्चन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी ऑप्शन में होता तो सर हम दोनों में से कौन सा ऑप्शन करते, प्रेसिपिटेशन या फिर डबल? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर बाय चांस यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, फिफ्थ ऑप्शन, जिसमें लिखा होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बट एक बात ध्यान रखना। हाँ बोलो सर, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को टिक करते हैं ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रेसिपिटेशन को टिक करते हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर बाय चांस ऑप्शन में फिफ्थ ऑप्शन होता और उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता, तो जनरली याद रखना यू हैव टू ऑलवेज फाइंड द राइट या फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो इस केस में इनसोल्युबल सब्सटेंस बनने के कारण ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, बट मोर ज्यादा क्या है, प्रेसिपिटेशन। तो आपको फिफ्थ आंसर पे जरूर क्लिक करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा है, फिफ्थ, तो प्रेसिपिटेशन। बट ऐसा कभी कंफ्यूजन नहीं मिलेगा कि तुमको डबल डिस्प्लेसमेंट भी दे दें और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी दे दें, तो दोनों ट्रू हो। ठीक है, हाँ जनरली क्या करेंगे, वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहेंगे, वो अवॉइड करेंगे कंफ्यूजन जो भी क्वेश्चन बनाएगा। ओके सर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग? ठीक है, दिव्यांश राइट, भाविक राइट, नियति राइट, गौतम राइट, श्रेष्ठा रॉन्ग, प्रियांशु राइट। ठीक है, यहाँ पर बहुत छोटे से मिस्टेक कर रहे हैं, श्रेष्ठा स्टिल रॉन्ग, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखो, रिएक्टिविटी सीरीज से सीधा आंसर दिखेगा, नियति राइट, हाँ नाउ यू आर राइट, अनुप्रिया राइट, हाँ तो बिल्कुल अनुप्रिया। अब इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि आयरन प्लस HCl गिव्स अस FeCl2 प्लस H2, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, और हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, बट एक क्वेश्चन, हाँ सुमे भारती, सुमेश राइट, ठीक है, बट एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो आयरन है Fe प्लस HCl अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो हमको तो पता है FeCl3 भी होता है, तो ये क्यों नहीं बन रहा, इसके बजाय Fe2Cl बन रहा है? सर क्योंकि डाइल्यूट है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, डाइल्यूट का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है,
ये बहुत अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी जाता है, ट्रिक है, ट्रिक इन द सर एक बार सेंस और बता कंफ्यूज करने के लिए, दीजिए। क्योंकि आयरन प्लस टू भी शो करता है प्लस थ्री भी शो करता है, तो आयरन प्लस टू बना रहा है बट थ्री नहीं बना रहा। सर यदि फ्यूरियस होता तो सॉरी सर फेरिक होता तो थ्री यूज करते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बन जाएगा फेरस, OUS, OUS होगा तो मतलब टू होगा, Fe2+, और जब भी फेरिक होगा है तो थ्री तो Fe3+, यानी हायर ज्यादा चार्ज वाला। ऐसे ही हमारा और भी होते हैं, और भी जगह पे होते हैं, जैसे क्यूप्रस, वहां पे भी ऊपर अस आ गया, और क्यूप्रिक, सर हाँ यहाँ पे क्या गया Cu+1 और यहाँ पे Cu+2। अब क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि ये +3 क्यों नहीं बना रहा, ठीक है, बेसिकली क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बन रहा है, ये हाइड्रोजन +2 को +3 में जाने से रोकेगा, ठीक है, इनहिबिटर की तरह काम करेगा, रिएक्शन को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो इनहिबिटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को स्लो करवाते हैं, बढ़ा इसके रेट को कम करवाते हैं, ठीक है, रेट यस को सर कम करते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इट इनहिबिट्स या फिर रोक देगा Fe2Cl को कन्वर्ट होने में FeCl3 में, ताकि वो कन्वर्ट ना हो, और ये बन जाता है, और हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, ठीक ओके सर है, आ जाओ, ठीक है। केमिस्ट्री में जितनी छोटी बातें हैं सारी सारी छोटी बातें हैं, कोई भी बड़ी बातें नहीं है कि जो तुमको याद रखो। बैलेंसेस से क्वेश्चन आ गया, इन दिस इक्वेशन हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड गिव्स अस कॉपर नाइट्रेट NO2 और H2O, श्रेष्ठा राइट, गौतम राइट, सौम्य भारती, नाउ यू आर परफेक्ट, बिल्कुल सही जा रहे हो, दिव्यांश राइट, प्रियांशु राइट, हाँ आ जाओ। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी नियति राइट, इस क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी कुछ हिंट गिवन्स हैं, तो ये हमारा एक्स है, क्या है एक्स, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये एक्स, ये 3x, ये सॉरी ये भी एक्स है और ये 3x है, दीज आर आवर रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट साइड पे क्या है हमारे, भाविक राइट, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड पे देखोगे तो हमको मिलेगा हाइड्रोजन कितने हैं 4, नाइट्रोजन कितने हैं y +2, और ऑक्सीजन तो निकालेंगे नहीं, बाकी ऊपर वाले से और नीचे वाले से निकल जाएगा। आयुष आपका रॉन्ग है, तो यू कैन ऑलरेडी सीधा सीधा हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x इज इक्वल्स टू x की फोर वैल्यू 4 है और y की वैल्यू नीचे से निकाल लेंगे, सर निकालने की जरूरत ही नहीं। सर ऐसे इजी मेथड है, इससे भी सर इससे इजी मेथड है, नहीं, फिर वो अल्जेब्रिक मेथड ही आएगा, इससे इससे सिंपल हिट एंड ट्रायल के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है अनुप्रिया राइट, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी ये, तो हमको आंसर देखना है ऑप्शन सी 4 एंड 2, एस की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग से, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, इस रिएक्शन में देखो सर रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4, सर मुझे लास्ट अभी बैक वाला क्वेश्चन नहीं आया समझ में। सॉरी सॉरी, क्या किसी को क्या रोंग रहा है, सर वो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन आपने किया वो मुझे समझ नहीं आया। ओके कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं लास्ट वाले पे चला जाता हूँ।
एक बार लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा लास्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे। हाँ बोलो सर, आपने जो भी क्वेश्चन अभी लगाया था, शेयर किया था, मैंने उसका आंसर भेजा क्या? अच्छा सर, हाँ हाँ आ गया समझ सर, कंटिन्यू। मैंने कुछ अगले वाले का आंसर देखते हैं क्या। चलो मैं अब यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन में वी आर गिवन विद द रिएक्शन, ठीक है, जिसमें x हमको नहीं पता और वी हैव टू डिटरमाइन द x। अनुप्रिया, गौतम, दिव्यांश, नियति राइट, बिल्कुल सही है, सोमे प्रसाद राइट, प्रियांशु राइट, ठीक है। ये एक एग्जांपल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर हमको पता है ए बी प्लस सी डी गिव्स अस, श्रेष्ठा रॉन्ग है आपका, सौम्य भारती राइट, ए डी प्लस क्या बनेगा, सी बी, तो ऑटोमेटिकली तुम देख पा रहे हो यहाँ पर कंपेयर करोगे, हमको क्या निकालना, सी और डी, तो कंपेयर करोगे हमारे पास क्या है, ये ए डी है, ये सी बी है, सी डी हमको निकालना है और ए बी हमको पता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सोडियम और यहाँ से डी ओ एच, तो एन ए ओ एच इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. बिल्कुल बिल्कुल, मूव करें सर, लेस देन वन मिनट। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, एक और क्वेश्चन कर लो। एक और क्वेश्चन, पहले मेरे को ये बताओ, नेक्स्ट क्लास में भी डाउट मतलब क्वेश्चन ही करने है ना? यस सर, यस सर, यस सर। और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, हम नेक्स्ट क्लास में भी एक ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे।